अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आप तमाम जानते हैं कोविड के जिन हालात को हमने देखा, उस वक्त शहर मैसूर में मुख्तलिफ तंजीमों ने आगे बढ़ते हुए कोविड मरीज़ों की न सिर्फ मदद की बल्कि जहां तक मुमकिन हो सका उन तक, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो या दीगर तिब्बी ज़रूरियात यानी मेडिकल सहूलियात जिसकी भी, यानी दवाई से लेकर हर उस ज़रूरत का ख्याल रखा गया। ऐसे ही कुछ इदारों में केयर सोशल फाउंडेशन का भी नाम है, जिन्होंने जहाँ तक मैं जानता हूँ एनआरमल में वाक़ रिलायंस जो शादी महल है उसके ग्राउंड फ्लोर में बाकायदा एक नज़्म किया, जहाँ पर तमाम नौजवानों ने ना दिन देखा ना रात देखा, सिर्फ और सिर्फ इंसानी खिदमत, ना हिंदू ना मुसलमान, यानी बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, सिर्फ और सिर्फ इंसानी खिदमत को लेकर जहाँ तक मुमकिन हो सका हर तरह की मदद करने की, या चाहे वो ऑक्सीजन का हो या दीगर दवाइयों का मसला हो, जो भी परेशान हाल लोग थे उन तक नौजवानों ने पहुंचकर बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। केयर सोशल फाउंडेशन की आगे वाली खिदमत जो अभी तक चल, मैं एक ऐसे फ़र्द के साथ मुलाकात कर रहा हूं जो आज केयर सोशल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अब्दुल खदर शाहिद के दफ्तर आए हुए हैं। अचानक मैं किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था और अचानक इन लोगों ने शाहिद भाई से आकर अपनी हालत बता रहे थे। वो हालत क्या है, इनकी बच्ची का नाम ज़ेबा है जो के आर हॉस्पिटल में, दीगर तफसीलात जानी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? सैयद गौस। सैयद गौस, कहाँ वाले आते हैं? गौसेनगर वाले। गौसेनगर, क्या काम तुम्हारा? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। अब यहाँ शाहिद भाई के पास आप आए, मैं बैठा था यहाँ, तो क्या वजह से आए? वही, मेरी बच्ची की फुल तबीयत सीरियस है। क्या नाम आपकी बच्ची का? ज़ेबा बानो। ज़ेबा बानो, हाँ। क्या उम्र है बच्ची की? उम्र 5 साल। हाँ, क्या उसे इलाज किया, मतलब क्या परेशानी क्या है बच्ची? 3-4 दिन से बुखार था। हाँ, कल सवेरे फुल सिर में दर्द बोल रही थी जी। वो 4:30 को स्टार्ट किया सिर में दर्द बोली, वो क्लिनिक खुलने के वास्ते लेट होता ना बोल के एक आधा पौना घंटा टाइम, उसके बाद गिर गई वो, फुल सुस्त हो गया, हाथ पाँव पूरे काँपने लगी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल को ले लग गया, एडमिट किया। कब एडमिट करा आप? 7 बजे। अच्छा, अब डॉक्टर क्या बोल रही हैं? डॉक्टर क्या बोल रही हैं तो गारंटी नहीं बोल रही बच्ची की, फुल सीरियस है। अच्छा, 100 में 90% गारंटी नहीं बोल के बच्ची का ये कर रही। आप परेशान ना तो हो, एक बाप अपने बच्ची के वास्ते जो परेशानी दिखाई दे रही है वो आपकी आंखों में दिख रहा मुझे। आप परेशान होने को, जैसा कि मैं जानता हूँ केयर सोशल फाउंडेशन जैसा हर एक को मदद कर रहा है, आपकी भी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। सर, आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीन पाशा। अमीन पाशा, आप क्या बनाएंगे? इन्हें दोस्त, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, समय भी ऑटो ड्राइवर जी। इन्हें भी शुगर पेशेंट है। अच्छा, इसकी कमाई भी जरी कम, आप ये हालात में कमाई भी कम, इसे शुगर को गोलियां के वास्ते भी तकलीफ है। हमें दोस्तान इनके खुद की दवाई, इसकी दवा को भी तकलीफ है। हमें खुद दोस्तान क्या किया, छोटे पैसे ना करके मदद कर ले रही है। अभी बच्ची का बड़ा मसला आगा, आसिफ भाई का नाम बोले, क्या करके बोले उन्होंने आसिफ भाई, ऐसा यहाँ ऐसी जगह गए तो मदद मिल छे जाओ कर को। अच्छा, उससे हमें ढूंढ ले तो वो इमेज से यहाँ को आको ही जी। वो अब इसके पास बहुत तकलीफ में है जी, रुपए रुपए को भी मोहताज है इन्हें जी। यहाँ मदद मिल छे करने में यहाँ तक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, मैं आपसे मुलाकात के लिए आया था किसी और सिलसिले में, लेकिन आज मैं देखा कि जो साहब आपसे आकर मिले। केयर सोशल फाउंडेशन जो हमेशा इंसानी खिदमत को लेकर चल रहा है, ना हिंदू देख रहा है ना मुसलमान देख रहा है, अब इनके लिए क्या करने वाले हैं? देखो, हमें माशाल्लाह बहुत सारे काम कोविड के बाद भी, तुम्हें देखे कोविड के बाद भी हमें काम जारी में रखी, ब्लड कैंप हो या दूसरी तरीके से टैबलेट्स हो या उनकी हॉस्पिटल के बिल्स हो, ये सारे काम केयर सोशल फाउंडेशन के जितने भी हमारे साथ यहाँ ग्रुप में हैं उन सब भी मिल को काम कर ले को जारी। तो कल भी एक पेशेंट का 20,000 सम JSS में एडमिट थे, उनको भी कल परसों का दिन डिस्चार्ज करा कर आकर हैं। तो हमारी ये कंटिन्यू करने की सारे साथियों की राय से जी, ये कंटिन्यू करो, क्योंकि हर वक्त हर आदमी हर रुपयों में कम रहते हैं और उन्हों ज़रूरतमंद रहते हैं, तो ये चालू करो बोले। तो इसी तरह से मेंबरशिप हमें ग्रुप में
चालू करे कि कौन 100 रुपए से 1000-10000 तक कौन कोई भी उनकी ताकत के मुताबिक अगर डाले तो ऐसे जरूरतमंद की इंशाल्लाह जरूरत पूरी हो चे। तो लास्ट मंथ से हमें ये स्टार्ट करे, पहले मंथ में हमना 20000 रुपये चालू हुए, नेक्स्ट मंथ अब चल रहा है। तो सारे साथिया बोले इसे मेंबरशिप बनाओ, मेंबरशिप बनाए तो कोई 100 रुपये भी अगर दे तो, अगर बहुत देने को भी कुछ नहीं है उन लोगों की भी मेंबरशिप हमें बना रही, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करें। आपकी नहीं एक बुक वगैरह बनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि तो लोगों को आप रसीद दे सकें कि तो ऐसे काम में कोई भी मेंबर बनना चाहेगा? इंशाल्लाह वो रसीद के लिए मैं कल से बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी मेंबरशिप बुक भी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, इस केयर सोशल फाउंडेशन में मैं भी एक मेंबर हूँ और मैं भी मेंबर होते हुए काम करता हूँ। और हमारा जो भी पैसा जो लोग डाल रहे हैं उनको बाकायदा ग्रुप के अंदर ही हिसाब मिल जाता है। और उसके साथ साथ हमारा इंशाल्लाह अभी केयर सोशल फाउंडेशन का अकाउंट भी अच्छा। चल रहा है काम, तो इतने दिन को 2 महीने से मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे और ग्रुप में जो साथी पैसे डाल रहे हैं उनके हिसाब के साथ जो साथी हमारे ग्रुप में है वही लोग हिसाब करते हैं। तो इस तरह से चल रहा है, इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। तो जो भाई साहब आकर हैं ऐसे लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, कोई पीछे रहते हैं, ये हमें ये आप आ गए ये मीडिया में आ रहा है, तो इनकी वजह से और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इनकी इजाजत के मैं देखा, आपको भी इनकी इजाजत लेते हुए आप ये कर रहे हैं, मैं नको बोलिया, लेकिन आप उनकी इजाजत लिए और साथियों को मदद मिले जी। तो इस वजह से आप भी ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह सबको ये इस काम में जुड़ने की आगे बढ़कर आने की तौफीक अता फरमाए। तो इनका जो मसला है इंशाल्लाह मैं हमारे केयर सोशल फाउंडेशन में हमारे साथी भी हैं, मैं हॉस्पिटल को भी इनको अभी बुलाकर भेजता हूं, वहां पर जो मदद इनको करना है इंशाल्लाह हमें इनकी मदद ज़रूर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी जुड़ने लोग हैं, अब हमारी सिर्फ एक ग्रुप है, ये मेंबरशिप स्टार्ट होने के बाद जितने मेंबर्स हैं हमारे साथियाँ उनकी फैमिली के मेंबर भी बना रहे हैं, उनका खुद का मेंबरशिप भी ले रहे हैं। फिलहाल कितने हैं आपके केयर सोशल में? अभी हमारे केयर सोशल फाउंडेशन में 250 लोग हैं, तो इसे हमारा 1-2000 या 3000 रीच कर टारगेट है। तो इसके अंदर बहुत सारे उनकी ताकत नहीं है, तो मेंबरशिप का हमें 100 रुपये रख रहे हैं फर्स्ट टाइम। अगर उनकी ताकत है 100 रुपये से पकड़कर वो कितने भी हर महीना अब जैसा कि डाल रहे हैं ऐसा हर महीना डाल सकते हैं। अगर उनके पास नहीं पैसे वन टाइम भी अगर वो मेंबरशिप लेकर रहें तो हमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे साथियाँ, अगर उनको टैबलेट्स की ज़रूरत है या दूसरी, ऐसा नहीं कि हम फुलफिल कर सकते हैं, जितनी हमारी ताकत है यहाँ पर जितनी ताकत हमें और मेंबरा दे रहे हैं उसके साथ जुड़कर राय मशोरे के साथ हम ये काम कर रहे हैं। शायद भी केयर सोशल फाउंडेशन जो अब तक ट्रांसपेरेंट तौर पर काम कर रहा है, जैसा कि आप टारगेट 2000 है, हो सकता है अल्लाह चाह तो 20000 या 1 लाख भी हो सकते हैं। अच्छा। तो आप इसी तरह ट्रांसपेरेंट रखकर चलेंगे? जरूर, ये ट्रांसपेरेंटली हर ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में हम ना जो आएगा वो 1 रुपया हो या 10000 हो, 10000 हो या 1 रुपया हो, ट्रांसपेरेंटली ये रहेगी। इसी वजह से केयर सोशल फाउंडेशन चल रहा है, यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्रेटरी नहीं है, ऐसा हो दिया के वास्ते कोई काम नहीं कर रहे, दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ का मैं भी मेंबर हूँ और मेरा इंशाल्लाह मेरा भी मेंबरशिप कार्ड आ जाएगा, तो इनको हमें जितने मेंबरशिप हो रहे हैं उनको भी कार्ड आएगा, वो मेंबरशिप मारते के साथ वहाँ पे इनका एड्रेस और बहुत सारा आ जाएगा। और बहुत ज़रूरतमंद जो है उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, हमें आइडेंटिफाई करके उनको जो टैबलेट्स का हो और दूसरे जरिए से हमारा एम्बुलेंस का भी एक चलने को है इंशाल्लाह। जो लोग हमारे साथ जुड़कर
जो ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद भी हैं वो लोग भी जुड़े और ज़रूरतमंदों को मदद करने जो जुड़ रहे हैं वो भी जुड़े। बिल्कुल, देखा आपने केयर सोशल फाउंडेशन का अपना एक मकसद है और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी खिदमत है। मज़हब इस्लाम में खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि केयर सोशल फाउंडेशन का आगे बढ़कर इस तरह की इंसानी खिदमत करना न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि यूं कहूँ कि ये बेहद अहम काम कहा जा सकता है। इन खिदमत को कोई भी, चाहे हमारे व्यूअर में जो भी देख रहे हैं, उन तक ये आवाज़ सुन लें कि केयर सोशल फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना प्रेसिडेंट है ना कोई सेक्रेटरी है, हर फर्द यहाँ पर एक टीम की मानंद काम करें, इसी नीयत से ये काम किया जा रहा है। और रही बात ट्रांसपेरेंसी की, अब तक जिस तरह आपने सुना, अब तक जिस किस्म से ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, आने वाले दिनों में चाहे वो कुछ भी हो जाए ट्रांसपेरेंसी हर हाल में बाकी रखी जाएगी। आप जो भी देख रहे हैं, जिसके दिल में इंसानी दर्द है, वो केयर सोशल फाउंडेशन में ज़रूर जुड़िएगा। कौशल न्यूज़ को, कौशल न्यूज़ की इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कौशल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।